तो हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं दो वैकेंसी के बारे में ताजा तरह अपडेट तो क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बिहार बिजली विभाग के द्वारा एक अप्रैल दो से जो फॉर्म फिलअप होने वाला था उसका लिंक जो है एक्टिवेट हो ही नहीं पाया कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण से जो है लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाया तो उसके बारे में ये जानकारी निकल के आई है नोटिफिकेशन जो है निकल कर आई है यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा नीचे में लिखा हुआ है कि 15 से 20 दिनों तक तकनीकी बाधा को दूर करते हुए अगले महीने से आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो दोस्तों आपको 15 से 20 दिन यानी कि आप समझिए कि आपको मई महीने से इस आवेदन के लिए प्रक्रिया जो शुरू होगी आवेदन आपका मई से शुरू होगा कहते हैं ना दोस्तों की बिजली गुल होगी उसी तरह सरकार ने छात्रों का भविष्य भी छात्रों को अप्रैल फूल बना दिया और जो लिंक एक्टिवेट होना था और फॉर्म जो अप्लाई होने वाला था एक 2024 से उसका लिंक ही एक्टिवेट नहीं हो पाया अब दोस्तों आपको 15 से 20 दिनों का इंतजार करना होगा तभी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट जो की बिजली कंपनी के द्वारा बिहार बिहार बिजली विभाग के द्वारा निकल के आई थी जिसका लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाया है अब आपको पंद्रह से बीस दिनों का इंतजार करना होगा उसके बाद ही इसका जो लिंक फिर से एक्टिवेट होगा और आवेदन जो है शुरू किया जाएगा तो दोस्तों इससे रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी अगर आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस जो वैकेंसी है इसके बारे में तो दोस्तों बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके बारे में अपडेट तो ये भी दोस्तों थोड़ा सा दुखद समाचार निकल के आया है जो कि आपका बिहार पुलिस सिपाही बहाली का इंतजार हुआ लंबा आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्कीस हजार तीन सौ पदों पर जो बहाली होने वाला था उसका इंतजार भी अभी होने वाला है लंबा यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं पांच महीने बाद भी परीक्षा का नया शेड्यूल जारी नहीं हो पाया है पेपर लीक चार्ज में फंसा अठारह लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दोस्तों अठारह लाख जो रहेंगे, उनका जो छात्र उनका है भविष्य भी भी करते सिपाहियों तो की बहाली का इंतजार काफी लंबा हो गया है इतनी बड़ी संख्या में सिपाही बहाली को लेकर केंद्रीय चयन परिषद ने पिछले साल ही बीस जून दो से आवेदन लिया जो शुरू हुआ था आपका और एक अक्टूबर को जो परीक्षा इसका हुआ था रिटर्न एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक हो गया था तो परीक्षा पर्षद ने परीक्षा को रद्द करते हुए नए समय की तिथि को घोषित करने की बात कही थी लेकिन अभी पांच महीना हो चुका है इस एग्जाम को अभी भी किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है कि एग्जाम कब लिया जाएगा और दोस्तों बता दें कि अब जो है एग्जाम आपका हो सकता है कि इलेक्शन के बाद ही होने की संभावना है क्योंकि अभी जो है इलेक्शन आपका अप्रैल महीने से 19 तारीख से शुरू होने वाला है तो अब जो है इसके बीच में तो मुझे लगता नहीं है कि एग्जाम हो पाएगा तो दोस्तों अभी भी इसका इंतजार जो है आपका लंबा करना पड़ेगा कि जो यहां पर जो पर नोटिफिकेशन है इसी के बारे में निकल के आई है जो इक्कीस हजार तीन सौ इक्यानवे सिपाहियों की बहाली था उसका इंतजार जो है अभी भी करना पड़ेगा अठारह लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है अभी भी फंसा हुआ है जांच में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा क्लियर आप अगर पेपर पढ़ते होंगे तो आपको जाकर देख सकते हैं पेपर में क्लियरली दिया हुआ है या फिर आप किसी भी शॉप पर जाकर पेपर ले सकते हैं वहां से देख सकते हैं दोस्तों तो यहाँ पर लिखा है दरअसल सिपाही बहाली के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई कर रही थी इस जांच में जांच की जांच में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कार्यालय भी झुलस रहा है जांच के दो महीने बाद भी परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी इसके एसके एस सिंघल को हटा दिया गया उनकी जगह होमगार्ड व अग्निशमन सेवाएं की डीजी शोभा को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई लेकिन उनका कार्यकाल भी लगभग ढाई महीने का रहा मार्च 2024 में सीआईडी के एडीजी रहे जितेंद्र कुमार को पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया है दोस्तों दो दो अधिकारी जो है चेंज हो चुके हैं तीसरा आए हैं देखते हैं अब क्या होता है इसके लिए तीन अध्यक्ष बदले जाने के बाद ही परीक्षा का नई तिथि पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है दोस्तों आपका भविष्य के लिए अभी तक किसी तरह का जो है अपडेट नहीं निकल पाया है कि इसका एग्जाम कब होगा यहाँ पे जो दिया हुआ है अड़सठ केस 150 से अधिक गिरफ्तारी परिणाम कुछ भी नहीं हुआ है इतना गिरफ्तारी होने के बाद भी तो दोस्तों ये थी छोटी सी दो अपडेट जो कि आपको पेपर के कटआउट के द्वारा हमें ये प्राप्त हुआ है दोस्तों ये दोनों अपडेट जो है एक ही जगह छपा हुआ है आप जाके पेपर में देख सकते हैं एक तरफ जो है सिपाही बहाली का इंतजार लंबा हुआ ये जो आप देख रहे हैं हेडलाइन और दूसरी तरफ बिजली कंपनियों ने छब्बीस सौ पद पर जो नियमित बहाली प्रक्रिया स्थगित होगी है उसके बारे में दोनों तरह के जो अपडेट है, आपको यहां पर देखने को मिला है तो दोस्तों अब इलेक्शन के बाद ही हो सकता है है इन दोनों जो वैकेंसी इसकी एग्जाम जो हो पाएगी इससे पहले तो यह संभव नहीं दिखता है तो दोस्तों ये छोटी सी नोटिफिकेशन थी आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा दोस्तों वीडियो में इतना ही पीलते फिर से ऐसे ही एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ तो चलते चलते दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए तब तक धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम